सीट पर छूरा रोकने का काम एनडीए कर रहे थे, एनडीए के नेता कर रहे थे। तेजस्वी की जब हवा चली एनडीए घूमे गति गति। लोग किस तरह से जी रहे हैं इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। जो काले लेकिन काला धन का वापसी होगा। आज देखिए इतना दिन होने चला कोई काला धन आया नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे देश का जो करोड़ों लाखों रुपए लेके भागने वाला कौन है, कौन भगा रहा है? माल्या को भगा रहा है, नीरव मोदी भाग रहा है, ललित मोदी भाग रहा है, पैसे लेके भाग रहा है, भागने में मदद कौन कर रहा है? ये हम आप लोग निकालने के लिए आए हैं कि आप लोग जान रहे हैं आज किस तरह से महंगाई चरम पर है। आज महंगाई चरम पर है, किरासन तेल, सरसों तेल, डीजल, पेट्रोल, जितना घरेलू मर्चा की जितना भी सामान है आज उसकी चरम पर है। लोग किस तरह से जी रहे हैं इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान आज ये लोग का पूरा कर रहे थे कि एक सीट, यही लोग ना बोल रहे थे कि एक सीट जब कटेगा तो ड्रीम हाथ ले रहे थे कि 10 सीट उसके बदले में काट देंगे, अपना देश का रक्षा करेंगे। आज क्या हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए, हम अपने समाज के लोग को भी कहूंगी कि क्या सब हो रहा है। अब इससे पहले क्या हुआ मधुबनी में, क्या हुआ मधुबनी कांड हुआ, नरसंहार हो रहा है, किसके रीजन में हो रहा है? वीर कुंवर सिंह 1857 के गदर के महानायक, उनका वो देश के लिए लड़े थे आजाद देश, ये देश जो है उनका ऋणी है, लेकिन उनके प्रकोप की हत्या हो जाती है आजाद भारत में। जब उन्होंने गुलाम भारत में वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष के हड्डी में लड़ा था कि ज्यादा जो पुराना था उस समय लड़ाई लड़े, इसी अंग्रेज ने कहा था कि अगर 10 साल उम्र कम होता वीर कुंवर सिंह का तो 1857 में देश आजाद हो जाता। लेकिन जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारे देश का एक अदना सत्तू सिपाही, एक अदना सा सिपाही के द्वारा उनके वंशज की हत्या हो जाती ही है। एक जगह चेतनानंद के हम गए, यहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता गए, तमाम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी जो लोग घूम रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं, जो विधायक मंत्री सांसद, उन्हें कभी हम लोग ने भी विधायक विधायकी का दिए थे, लेकिन कितना लड़ाई करते हैं। आज ये लोग को डर लग रहा है, ये सीट जो है वो 4 सीट एनडीए के हाथ से निकल रहा है। अगर आप सुशासन की सरकार है, अगर आप अच्छा काम किए हैं तो गली गली क्यों घूम रहे हैं? हमें तो ये कहावत याद आ जाता है कि तेजस्वी की जब हवा चली एनडीए घूमे गली गली। आज ये गली गली मंत्री सब घूम रहे हैं, तो आप समझने की बात है। हम तो यहाँ मंच से आदरणीय लालू जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तेजस्वी यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जहाँ सीट पर छूरा भोंकने का काम एनडीए कर रहे थे, एनडीए के नेता कर रहे थे, वर्तमान मुख्यमंत्री कर रहे थे, वहाँ पर आदरणीय लालू जी ने, तेजस्वी जी ने चेतन आनंद को टिकट दिए, सम्मान बढ़ाए, लवली आनंद को सिटिंग सीट पर भेजे और 4 टिकट देने का काम किए। और आज यही कारण है कि 14 साल के बाद जब चेतन आनंद विधायक बनते हैं तो वहाँ पर प्रतिपक्ष के नेता पूरा ईमानदारी के साथ, पूरा मुक्तेजी के साथ साथ दिए और चेतन आनंद अपने पिता के लिए आवाज उठाए क्या कि क्यों वो अभी तक 14 साल जब हो गया तो जेल में है, बाकी किसी खुशी ने नहीं उठाया। विधायक वो ऐसे लोग को आर्टिकल लेने का काम, वोट देने का काम नहीं करना है। समय का आज अभाव है, हम तमाम लोगों से कहने के लिए आए हैं कि आइए, एक एक वोट, एक एक यहाँ नौजवान है अमर पास जिनके पिता का निधन हो गया उनको तक टिकट नहीं दिया गया। ये राजद परिवार लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।